हेलो रेसिडेंट्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नेशन दिस इज शोभद्रो एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल और आज हम बात करेंगे बजट के बारे में बजट 2023 तो दोस्तों कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कंस्टेंट बट नो वन वेलकम्स चेंज एट ऑल फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ दिन पहले बजट 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वॉज अनाउंसड उसमें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में बात किया गया और कुछ माइक्रो इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में बात किया गया सो मैक्रो लेवल में डिस्कस किया गया कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइट इन्फ्लेशन कैसे हम फिजिकल डेफिसिट के अगेंस्ट फाइट करेंगे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे देश के ग्रोथ के लिए कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे तो वो तो गया मैक्रो लेवल अब मैक्रो लेवल लेके कौन सोचता है इट्स लाइक like, अपना काम बनता भार में जाए जनता तो लोग माइक्रो लेवल में ज़्यादा कंसेंट्रेट करते तो माइक्रो लेवल में पर्सनल टैक्स दैट इज इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सुधार लाया गया इस साल तो इस साल बजट से पहले लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि इनकम टैक्स का जो ए सी का डिडक्शन है वो वन से बढ़ा के टू कर दिया जाएगा या फिर बेसिक टैक्स का जो थ्रेश है वो ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख या साढ़े तीन लाख कर दिया जाएगा बट ऐसा हुआ क्या नो चेंज इन द टैक्स लैब उल्टा तीन साल पहले 2020-21 में जो न्यू टैक्स रेजिम बनाया था गवर्नमेंट जिसको सिर्फ 5% ऑफ द पॉपुलेशन वेलकम किया था उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के उसको फिर से पेश किया गया तो ये जो न्यू टैक्स रेजिम है पिछले तीन साल से चल रहा है बट कोई फ्लॉप मूवी की तरह यह हर सिनेमा घरों में फ्लॉप जा रहा था बिल्कुल कोई भी वो मूवी देखने नहीं जा रहा था तो गवर्नमेंट को लगा उसको रीलॉन्च करते हैं और वही गवर्नमेंट इस साल किया ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं किया तो फॉलोइंग द नमक जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया इनटू द न्यू टैक्स रिजीम विच इज अंडर सेक्शन 115 फिफ्टीन बी एस सी द न्यू टैक्स रिजीम कम्स अप विद दिस न्यू फीचर दैट विल बी नो टैक्स एट ऑल टिल द एनुअल इनकम ऑफ सेवन लैक्स जी हाँ दोस्तों अगर आपका टोटल इनकम सात लाख या सात लाख से कम है आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा दिस वॉज द नमक और मिर्ची क्या डाला गया ये जो फिफ्टी थाउजेंड का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेलेड uh, पर्सन को ओल्ड टैक्स रिजीम में जो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं था उसको इंट्रोड्यूस किया गया तो टेक्निकली अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो आपका टोटल एनुअल इनकम इस लेस देन इक्वल टू सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा यही है नमक और मिर्ची अब ओल्ड टैक्स रेजीम अभी भी अवेलेबल है तो कोई भी बंदा ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स या फिर न्यू टैक्स से ओल्ड टैक्स में स्विच कर सकता है बट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑबियसली और इस साल गवर्नमेंट कह रहा है कि

इकतीस साल के उम्र में सूर्य कुमार यादव को इंडियन क्रिकेट स्क्वाड में चांस मिला वैसे ही पिछले तीन साल पिटने के बाद गवर्नमेंट ये जो न्यू टैक्स रिजिम है उसको स्वीटेन करने के लिए ये नमक और मिर्च इंट्रोड्यूस किया है नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड टैक्स रिजीम एंड द न्यू टैक्स रिजीम इज़ दैट गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम में सेविंग्स को डिस्करेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट कंजम्पशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, बट सेविंग्स को डिस्करेज कर रहा है। क्योंकि इन द न्यू टैक्स रिजीम देयर इज गोइंग टू बी नो डिडक्शन अपार्ट फ्रॉम द फिफ्टी थाउजेंड स्टैंडर्ड डिडक्शन और वो भी अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो जब मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था मेरे प्रोफेसर्स यूज़ टू टेल अस दैट गवर्नमेंट सेविंग्स को बहुत इंकरेज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाँच साल के फिक्स डिपोजिट करोगे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा अगर आप ई एल एस एस का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे आपको कम टैक्स देना पड़ेगा अगर आप आपके फैमिली को इंश्योर करोगे तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा अगर आप मम्मी डैडी के ऊपर मेडिक्लेम करोगे तो जनरली ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है एक तो अगर सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा वो मेडिक्लेम वाले ये सेटल कर देते हैं नंबर टू ये बहुत टैक्स सेव करता है सेवेंटी का ये टैक्स सेव कर देता है गवर्नमेंट ऑल्सो यूज़ टू अस के आप इंडिपेंडेंट बनो खुद के पैसे से खुद की लोन से घर बनाओ और वो घर का जो आप रीपेमेंट करोगे होम लोन को जो आप रीपे करोगे उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन मिलेंगे बट अचानक 2023 में आके गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि ऐसे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट को इनक्रेज करना नहीं चाहिए कंजम्पशन को बढ़ावा देना चाहिए तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वो रीजन्स ड्यू टू विच गवर्नमेंट स्टार्टेड डिस्करेजिंग सेविंग्स बट दे स्टार्टेड इनकरेजिंग कंजम्पन एट द सेम टाइम रीज़न नंबर वन फेक टैक्स डिक्लेरेशन। तो जब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाके आई फाइल करते हैं ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई क्या उधर इन्वेस्टमेंट प्रूफ के कोई ऑप्शन रहता है क्या हम कहीं इन्वेस्टमेंट का जो प्रूफ है उसको अटैच करते हैं नहीं ना वही पे लोग बहुत फेक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर लेता है फॉर एग्जाम्पल 80 परसेंट एम्प्लॉयज़ जो अपने खुद के घर में रहते हैं वो फेक रेंट रिसीट अपलोड करके अपने एम्प्लॉयर से झूठा इनकरेक्ट फॉर्म 16 प्रिंट करवा लेता है इसी वजह से कुछ कंपनीज़ रेंट एग्रीमेंट के बिना रेंट रिसीट को एज अ प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करती सो so, उनका फॉर्म सिक्सटीन में भी एच का डिडक्शन नहीं मिलता बट उसके बाद एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं जब वो अपने रिटर्न फाइल करते हैं वो मैनुअली फॉर्म सिक्सटीन को ओवर करके वो रेंट को खुद से इनपुट दे देता है और इस हिसाब से वो गलत एच क्लेम कर जाता है कुछ लोग तो फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं कहीं पे घूमने जाने के लिए और उसमें लीव ट्रैवल अलाउंस डिडक्शन क्लेम करने के बाद वो टिकट कैंसिल कर देते हैं तो इससे क्या होता है गलत एलटीए क्लेम कर लिया गलत टैक्स एग्जेंप्शन क्लेम कर लिया और ये एलटीए व्हिच कैन बी क्लेम्ड ओनली ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स वो लोग हर साल एलटीए क्लेम करने जाते हैं सेम विद एलआईसी प्रीमियम मेडिक्लेम डिडक्शन डोनेशन अंडर सेक्शन 80जी ऐसे फेक इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन देके अपने टैक्स बचा लेते हैं अरे भाई भगवान से डरो अब सीए के पास जाते हैं और सीए को बोलते हो के जितना पैसा वो आपको रिफंड करवा देगा या फिर जितना पैसा वो आपका टैक्स सेव करवा देगा उसका ट्वेंटी परसेंट आप सीए को पेमेंट कर दोगे तो उससे क्या होता है कुछ करप्टेड सीए होता है सारे सीए के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कुछ करप्टेड सीए होता है ऐसे फेक डिडक्शन देके चंद क्विक मनी के लिए चंद पैसों के लिए वो आपसे ये फेक डिडक्शन क्लेम करवाता है ठीक है इससे आपका पैसा बच जाता है बट जिस साल आपका टैक्स ऑडिट हुआ पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा आप ऐसा बोल नहीं सकते कि सी हैज एडवाइस मी कोई प्रूफ नहीं है और अगर प्रूफ है भी तो गवर्नमेंट सीए को कुछ नहीं करेगा गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी लेगा आपसे इंटरेस्ट वसूल करेगी शुक्र मनाओ कि अभी तक ओल्ड रेजिम जो है वो ऑप्शनल है अगर नेक्स्ट ईयर से ये ओल्ड रेजिम को पूरा डिसकंटिन्यू कर दिया तो वो जेन्यून इन्वेस्टर्स का क्या होगा जो एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं एंड वही अमाउंट डिडक्शन की तरह क्लेम करते हैं आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट माई पीपीएफ बैक इन टू 15 इयर्स तो मेरा पीपीएफ जो है 2016 से लेकर 2023 तक चलेगा अगर नेक्स्ट ईयर से ये पीपीएफ के ऊपर डिडक्शन बंद कर दिया तो मैं पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन बंद नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा पीपीएफ तो चलेगा टू थर्टी वन तक बट एट द सेम टाइम उसके लिए जो डिडक्शन मुझे मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा तो ये इंसेंटिव के बिना बहुत सारे लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगा किसी का अगर एल आई सी या पच्चीस साल का पांच छह साल बचा है तो वो लोग एल आई सी लोग क्यों करते हैं क्योंकि टैक्स का डिडक्शन मिलता है अगर कल से ये डिडक्शन मिलना बंद हो गया तो लोग एल आई सी का इन्वेस्टमेंट भी बंद कर देगा वैसे ही एल आई सी और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज का शेयर लास्ट चार पांच दिन से डाउन है इसी डर से के लोग अब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगा सब लोग न्यू रेजिम में शिफ्ट हो जाएंगे किसी को डिडक्शन नहीं मिलेगा तो कोई एल म्यूचुअल फंड कुछ नहीं करेगा तो इसीलिए गवर्नमेंट न्यू रेजिम को एनकरेज कर रहे हैं आप सेव करो या इन्वेस्ट करो उससे कोई टैक्स नहीं बचेगा अब जितने इनकम करोगे उसी के ऊपर टैक्स हो गया नो एल टी ए नो एच आर ए नो डिडक्शन ऑन होम लोन नो मेडिक्लेम नथिंग नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल कंजम्पशन सेंट्रिक टैक्स रिज्यूम लाने का जो सेकेंड मकसद है दैट इज टू ग्रोथ इन जी अब ये जी क्या है ये थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल का रीजन है इसको समझते हैं समझने में मजा आएगा से देर इज ए शॉपिंग मॉल इन डाउनटाउन तो उस शॉपिंग मॉल में पेंटालून्स का शॉप है जहां पे कपड़े बिकता है बास्किंग रॉबिन्स का आइसक्रीम पार्लर है जहां पे आइसक्रीम बिकता है वैसे ही टाइटन का वॉच या फिर सनग्लास मिलता है उसके ऊपर वाला फ्लोर में एक जिम है जिम के बगल में ब्यूटी पार्लर है और उसके बाद एक मोबाइल का शोरूम है और उसके ऊपर एक फूड कोर्ट है और आइनॉक्स का यू नो थिएटर लगा है तो ये जो पूरा शॉपिंग मॉल है ये शॉपिंग मॉल में एक साल में जितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका समय को बोलते हैं जीडीपी। गुड्स तो समझ लिया कि ये आइसक्रीम ये जो मोबाइल ये जो क्लॉथ ओके okay, जो चश्मा घड़ी दिज आर ऑल गुड्स सिमिलरली सर्विस क्या है ये आईनोक्स में जो आप मूवी देख रहे हो दिस इज नथिंग बट सर्विस जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो उसके लिए जो पैसा दे रहे हो दिस इज सर्विस अगेन ब्यूटी पार्लर में जाके आप जो खूबसूरत बन के आ रहे हो दैट इज ऑल्सो सर्विस ये जो टोटल गुड्स एंड सर्विस बिक रहा है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है साल भर में जितने अमाउंट का गुड्स एंड सर्विस बिका उसको बोलते जी डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब इसमें लोकेशन जियोग्राफिकल बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मीन वो मॉल के बाहर जो ठेला वाला है जो मोमोस बेच है, या फिर पानीपुरी बेच रहे हैं आउटसाइड द मॉल सो दो विद इन दीडीपी तो सिमिलरली एक कंट्री में जितना गुड्स एंड सर्विसेस सेल होता है एक साल में उसका जो सेल प्राइस है उसको रुपी टर्म में अगर कैल्कुलेट किया जाए दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्लियर सो इंसान अगर सेव नहीं करेगा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा कंज्यूम करेगा खर्चा करेगा राइट जो पैसा सेव करके डिडक्शन क्लेम करता था अब उसी पैसों से लोग खर्चे करेंगे फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग करेंगे नए कपड़े खरीदेंगे वीकेंड्स में मूवीज देखने जाएंगे फैमिली के साथ डिनर करने जाएंगे बाहर कार्स खरीदेंगे फोर व्हीलर टू व्हीलर खरीदेंगे इससे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा तो उसका सेल भी बढ़ेगा अब सेल बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा और ये प्रोडक्शन के बढ़ने के चक्कर में एम्प्लॉयमेंट जेनेट होगा एंड फाइनली अगर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा एंड सेल होगा तो देश का जी बढ़ेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले 75 इयर्स कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर 2022 में जिसको मोदी जी कहते हैं आजादी का अमृत सब सिमिलरली उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर दैट इज ट्वेंटी थ्री सेवेंटी सिक्स ईयर ये सेवेंटी से लेके हंड्रेड ईयर दैट इज 2023 से लेके 2047 तक का जो ये पच्चीस साल का पीरियड है इसको मोदी सरकार ने नाम दिया है अमृत काल इस अमृत काल में गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव सर्टेन थिंग्स उसमें से जीडीपी का ग्रोथ इज वन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव तो ये कंजम्शन को बढ़ावा देने के लिए ये न्यू टैक्स रिजीम वॉज स्वीट एंड बट सीधा ओल्ड टैक्स रिजीम को आप स्टेट अवे नॉल एंड नहीं कह सकते धीरे धीरे दिस विल बी एबोलिस्ड हाउएवर जितना गुड्स एंड सर्विसेस का डिमांड है अगर आप उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना जरूरी है दैट इज वाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 8 फरवरी को रिपो रेट को

तो सिमिलरली कमर्शियल बैंक जब आम जनता को लोन देगी दैट मीनस हमको लोन देंगे हम सबको लोन देंगे तो वो भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो उससे क्या होगा जब मैं पहले होम लोन लेने जाता था सेवन परसेंट सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट में लोन मिलता था अभी रिपो रेट बढ़ने के चलते अभी होम लोन भी महंगा हो गया है मैं आज ही देखा कोटक महिंद्रा बैंक का होम लोन नाइन 9.25 परसेंट क्यों ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक अगर आरबीआई से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेगा तो वो सामने वाले को थोड़ा और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देगा यही तो बैंक का बिजनेस है तो रिपोरेट बढ़ाने से क्या होता है लोग कंजम्पशन घटा देता है क्यों क्योंकि कंजम्पशन मतलब क्या घर खरीदना कार खरीदना उसके लिए कार लोन लो होम लोन लो अगर आप देखोगे कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो आप लोन नहीं लेंगे तो इसी तरह से रेट बढ़ा के गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हैं सो इनफ विद द इकोनॉमिक लेक्चर व्हाट आई मीन टू से इज अगर आपका इनकम सात लाख या साढ़े सात लाख के आसपास हो यू कैन गो अहेड एंड एंजॉय द न्यू टैक्स रेज्यूम बट अगर आपके इनकम थोड़ा हायर साइड में हो लाइक like ट्वेल्व प्लस और फिफ्टीन प्लस और ट्वेंटी प्लस लैक्स पर एन एम देन यू शुड गो विद द एग्जिस्टिंग ओल्ड टैक्स रिजीम क्योंकि अगर आपके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है उधर जाहिर सी बात है अगर आपका 15 लाख प्लस इनकम हो तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट करते होंगे आपके ऑफिस से जो पीएफ कटती है वो पीएफ भी एटीसी का वन लैख फिफ्टी थाउजेंड के लिमिट में आता है तो आप ये इन्वेस्टमेंट को अचानक से बंद नहीं कर सकते तो अगर आप हायर इनकम ब्रैकेट में फॉल करते हो यू शुड गो एहेड विद द ओल्ड वीडियो को यही ये वाइंडअप करूंगा दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए आप ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करेंगे या फिर योर गोना स्टे द डिफ़ॉल्ट ऑफ न्यू रेजिम फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड थैंक यू सो मच विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो तब तक के लिए कीप ऑन सपोर्टिंग कीप ऑन लविंग डेविट क्रेडिट नेशन विल सी यू अगेन